हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल जो है वो चलती रहेगी, यानी कल सातवां दिन हो जाएगा हड़ताल का। बात शायद नहीं बनी है बैठक में और यही वजह है, यह ऐलान हुआ है कि हड़ताल जारी रहेगी। रोडवेज कर्मचारी नाराज है, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। छह दिन बीत चुके हैं, छठा दिन है आज हड़ताल का, लेकिन यह हड़ताल एक्सटेंड होगी, हड़ताल जारी रहेगी। रोडवेज यूनियन और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही, तीसरे दौर की बातचीत भी असफल रही, बात नहीं बनी और हड़ताल जारी रहेगी, ऐलान किया है रोडवेज यूनियन ने। अनिल, बड़ी खबर, बात नहीं बनी। जी बिल्कुल, जिस तरह तीसरे दौर की बैठक चल रही थी और बीच में उठकर आ गए थे कर्मचारियों ने, कह दिया था कि जो वार्ता है विफल रही और हड़ताल जारी रहेगी, लेकिन अधिकारियों ने फिर प्रयास किया, लेकिन जब तक इधर कर्मचारी भी अड़े हुए हैं कि उनकी सारी समस्या का समाधान किया जाए, तो कहीं ना कहीं बीच में बातचीत रह गई होगी। तो अगर हड़ताल कल जारी रहती है तो आने वाले दिनों में और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जी, क्या ये मान लिया जाए कि डेडलॉक बन गया है, न सरकार झुक रही है न कर्मचारी झुकने को तैयार है? अनिल जी, जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी हैं, दोनों तरफ से नोकझोंक चल रही है, कहीं ना कहीं रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कर्मचारी नेता पहले ही कह चुके हैं, टोटल टीवी पर आप दर्शकों ने देखा होगा कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि जो बातचीत होगी मुख्यमंत्री से होगी और मुख्यमंत्री से ही हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। कर्मचारी नेता पहले कल ही ऐलान कर चुके हैं। जी, और ये 25 साल में पहली बार इतनी बड़ी हड़ताल है अनिल। जी, हड़ताल पहले भी होती रही है, लेकिन इतनी लंबी हड़ताल चलना कहीं ना कहीं सरकार और कर्मचारियों के बीच कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं, या सरकार उनको कर्मचारियों को समझा नहीं पाई और कर्मचारी भी अड़े हुए हैं, उनको भी यात्रियों को जो परेशानी हो रही है और जो यात्री परेशानी झेल रहे हैं उनकी समस्या को समझना चाहिए, उनका भी अपना परिवार है, तो परिवार में जिस तरह दिक्कत आती है तो समस्या का समाधान करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं लोग भी अब ये कर्मचारियों के खिलाफ होने शुरू हो गए हैं। जी, सरकार को कितना घाटा हो रहा है अनिल? अभी घाटे का अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता कितना घाटा है, लेकिन करोड़ों रुपए का जो घाटा हो चुका है। अच्छे बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, हड़ताल जारी रहेगी, तीसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही, रोडवेज यूनियन और सरकार के बीच बातचीत नहीं बनी, तीन दौर की बैठक हुई, पहले दौर की बैठक बेनतीजा, आखिर में एक बार फिर से प्रयास किया गया लेकिन बातचीत नहीं हुई। तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं, नोकझोंक हुई है, तीखी बहस हुई है अधिकारियों और रोडवेज यूनियन के बीच।